हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम एमसीक्यू का थर्ड पार्ट करेंगे। इसके पहले हम दो पार्ट कर चुके हैं। अगर आपने पहले के दो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आज हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। तो इन सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए मैं आपको 20 सेकेंड दूंगी। आप पहले वीडियो पॉज करिएगा, करके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, उसके बाद आंसर चेक करिएगा। इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू इज रेफर्ड टू एज ऑप्शन बी लॉजिकल एड्रेस। नेक्स्ट, अ ट्रांसलेटर विच रीड्स एन एंटायर प्रोग्राम विथ इन अ हाई लेवल लैंग्वेज एंड कन्वर्टेड इन टू मशीन लेवल लैंग्वेज कोड इज नोन एज सी कंपाइलर। नेक्स्ट, अ ट्रांसलेटर विच रीड्स एन एंटायर प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज एंड कन्वर्टेड इन टू मशीन लेवल लैंग्वेज इज नोन एज, सो यहाँ आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी कंपाइलर। नेक्स्ट, सो यहाँ पर आपसे पूछा है इन विच एल्गोरिथम द डिस्क आर्म गोज एज फार एज द फाइनल रिक्वेस्ट इन ईच डायरेक्शन देन रिवर्स डायरेक्शन इमीडिएटली विदाउट गोइंग टू द एंड ऑफ द डिस्क। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन ए लुक लुक एल्गोरिथम में ऐसा होता है कि डिस्क आर्म आपके जहाँ तक रिक्वेस्ट आता है वहां तक जाता है, उसके बाद रिवर्स डायरेक्शन में इमीडिएटली टर्न हो जाता है और किसी भी एंड पॉइंट डिस्क के एंड तक नहीं जाता है। नेक्स्ट, द एम ऑफ क्रिएटिंग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज टू डिक्रीज द पेज फॉल्ट। तो यहाँ आपसे पूछा है इन विच एल्गोरिथम द डिस्क आर्म स्टार्ट्स एट वन एंड ऑफ द डिस्क एंड मूव टुवर्ड्स द अदर एंड सर्विसिंग रिक्वेस्ट टिल द अदर एंड ऑफ द डिस्क। एट द अदर एंड द डायरेक्शन इज रिवर्स एंड सर्विसिंग कंटिन्यूज। तो कौन सी एल्गोरिथम में डिस्क आर्म एक एंड से स्टार्ट करके दूसरे एंड तक जाती है, फिर वहां से वापस रिवर्स करके सर्विसिंग कंटिन्यू करती है? तो यहाँ आपका आंसर है ऑप्शन बी स्कैन एल्गोरिथम। स्कैन एल्गोरिथम में ऐसा होता है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है।
ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, रिप्लेस द पेज दैट विल नॉट बी यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट बिकॉज ऑप्शन बी, इट रिक्वायर फ्यूचर नॉलेज ऑफ द रेफरेंस स्ट्रिंग। फीफो रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम एसोसिएट विद ईच पेज द टाइम इट वॉज ब्रॉट इन टू मेमोरी, ऑप्शन ए। फिजिकल मेमोरी इज ब्रोकन इंटू फिक्स साइज ब्लॉक कॉल्ड फ्रेम्स। लॉजिकल मेमोरी इज ब्रोकन इंटू ब्लॉक्स ऑफ द सेम साइज कॉल्ड पेजेस। लॉजिकल मेमोरी इज ब्रोकन इंटू ब्लॉक्स ऑफ द सेम साइज कॉल्ड ऑप्शन बी पेजेस। Every address generated by the CPU is divided into two parts called page number and page offset, option B. The blank is used as an index into the page table. Option B, page number. So here the page number is used as an index into the page table. A page fault occurs when a page cannot be accessed due to its absence from the memory, option B. The valid invalid bit in this case when valid indicates the page is in memory, option C.
In segmentation, each address is specified by a segment number and offset. Option A. Blank is the concept in which a process is copied into main memory from the secondary memory according to the requirement. तो demand paging में हम ऐसा करते हैं कि एक process को copy करते हैं main memory से secondary memory में according to the requirement. Option B is correct. So virtual memory is normally implemented by option A, demand paging. Demand paging के through हम virtual memory को implement कर पाते हैं. A process is threshing if it spends more time paging than executing. Option A is correct. So here all of the three mentioned are the major method of allocating disk space that are in wide use. That is contiguous, linked and index method. In contiguous allocation, each file must occupy a set of contiguous blocks of the disk. Option A is correct. In linked allocation, each file is a linked list of disk blocks. Option B is correct. So here in indexed allocation, all the pointers to scatter blocks are placed together in one location. Option C is correct. Index allocation support direct access. Option A is correct. Deadlock prevention is a set of method to ensure that at least one of the necessary condition cannot hold. Option A is correct. So operating system के बाकी MCQs हम next video में करेंगे और कौन से subject के MCQs आपको पढ़ने हैं ये आप comment section में जरूर लिखें and thank you so much
ऑल फॉर वॉचिंग।